जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन किसी का नाम नहीं फिर भी ये नाम होठों पे न हो ऐसी कोई सुबह नहीं शाम नहीं जाने मन जाने मन जाने मन तस्वीर बनाई है मैंने सिर्फ ख्यालों से ख्वाबों की से सजाई है दिल की खाली दीवारों पर एक तस्वीर बनाई है तस्वीरों पे मरता हूँ वक्त गुजारा करता हूँ मैं महबूब की गलियों का नाम नहीं जाने मन जाने मन जाने मन खाना पकाया जाता है। हाँ, खाना और ये रख ले। अरे अरे मेरे पास
यात्रा से जल्दी लौट के आना, बात तो सुनो और अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना, अपनी तबीयत को संभालना। यो अब्दुल, कैसे हो? अल्लाह का फजल है। राम राम ड्राइवर जी। आप कौन है देवी जी? देवी जी नहीं, मैं संतो हूँ जी। आप कहाँ जाएंगी? बताती हूँ, ये राणा गुलबहार सिंह, लेकी निवास मालाबार हिल। मेरे पास पैसे हैं, टिकट काट दो। पहले पहुंचाऊंगा फिर पैसे लूंगा। आप बहुत अच्छे हैं। कितने पैसे? पहले देख लीजिए, यही है ना। क्या मांगते हैं मेम साहब? क्या बात है? ओ बड़ी बड़ी मूछ वाला, आप मेरे साथ चलिए जरा। कैसे हो खान? गुलभार सिंह, तीसरा माला, तीसरा माला। सीढ़ियां तो इधर है। ये सीढ़ी ज्यादा तेज है, आइए। इस सीढ़ी को लिफ्ट कहते हैं, लिफ्ट। लिफ्ट? हाँ। ये लिफ्ट अच्छी है। हाँ। गुलबहार सिंह जी आप हैं? नहीं है, लेकिन ये लेकिन ये बोर्ड तो गुलबहार सिंह जी का है। बोर्ड तो उनके नाम क्या पर रहते हैं हम है, लेकिन ये कहाँ मिलेंगे? चिड़िया गुलबहार सिंह, चिड़िया कहाँ मिलेंगे गुलबहार सिंह जी? वृंदावन महल पाले हिल, लेकिन ये बंद कर पिए है। आइए पाले हिल चलते हैं। मैं यही इंतजार करता हूँ, अगर यहाँ भी कोई चिड़ी मार हुआ ना तो वापस चले आना। अच्छा जी। अरे हमें मेहमान नवाजी का शौक है, इनके खातिर आपके मेहमान उधर है। हाँ सुनिए, आप गुलबहार सिंह जी तो नहीं? मैं नजाके अली खान, दोस्त साला जूह पर चला गया, जूह पर आखिरी बंगला आखिरी। वो मेरा दोस्त है, मैं उसका दोस्त नहीं। अच्छा, आप मेहमान नवाजी उधर कीजिए। थैंक यू। आओ आओ मेरी जान, कैसे तुम्हारा इंतजार। ये गुलबहार सिंह आपका क्या लगता है? कुछ नहीं। तो फिर आप? मेरी बहन उसके बच्चों को पढ़ाती है, बंतो है उसका नाम, बंतो। बंतो? हाँ जी। और आप संतो? हाँ जी। गुलबहार सिंह को कब तक खोजते रहेंगे? मीटर चटता जा रहा है। मीटर? पैसा है तू? बाद में, बाद में। अच्छा अच्छा, यही लगता है। मैं देख के आता हूँ, वरना फिर कहीं चिड़िया पर कोई बाज ना आन झपटे। गुलबहार सिंह, जी गुलबहार सिंह साहब। कौन से हैं? गुल भी है, बहार भी है, सिंह भी है। साहब भी है। जी मुझे सिर्फ गुलबहार सिंह चाहिए, जिनका बाहर नाम है। नाम है, निशान नहीं है। और निशान कहीं मिलेगा? जब मिलेगा तो बता देंगे। जी शुक्रिया।
हजूर नाचेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मर जाने अच्छा है, मेरा बटुआ। बटुआ पकड़, इतने देवी जी बहुत हो गया, अब आप दूसरी रिक्शा लो और जाओ। अकेली रात में कहाँ जाऊंगी? बटुआ भी वो मेरा ले गया। रोने का मुझ पर कोई असर नहीं होने का। मैं रात भर कहाँ काम भटकूंगा तुम्हारे साथ। दूसरी टैक्सी लो, घर ले चलता हूँ, और कोई ठिकाना नहीं। घबराने की बात नहीं, मैं गुंडा नहीं। आप भले मानस हैं। अच्छा। ये मियाँ मिठू बैठा है। अरे मिठू, देर क्यों हो गई? इन देवी जी के कारण। मैं देवी जी नहीं, संतो हूँ। अच्छा, ये देवी जी नहीं है, संतो जी हैं। ये मिठू है मेरा क्लीनर, बेचारा गूंगा है, इशारों से बात करता है। संतो जी मेरे गांव से हैं। बहन नहीं, बहन नहीं। आपसे कह रहा है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं। खस मनु खाना। भूख लगी आ रहा है, हम भूल ही गए, हमने तो खाने ही नहीं खा। ये मिठू लाया करता है। बुरा क्या है? नहीं नहीं, एक सब्जी भी है, आटा भी है, खाओगे? खाना मैं बताऊंगी। बंद तो बंबई में कब से? 3 साल हो गए, 1 साल से खत नहीं आया। पिछले महीने माँ बेचारी मर गई, इसलिए मैं गांव छोड़कर चली आई। मिल जाएगी बंद। पधारिए, सारा गोपाल, सारा गोपाल। हमको चापलूसी नहीं चाहिए, हमको तो वही पैसा चाहिए, पैसा। सेठ जी, पैसा तो हमेशा देता हूँ, रोज आपकी टैक्सी चलाता हूँ, रोज आपको 30 रुपए देता हूँ, मगर कल तो नहीं दिया। देखिए सेठ जी, मेरी माँ 30 यात्रा पर गई है, आपके घर में बेटा नहीं है ना, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अच्छा अच्छा। अरे परसों तो तुमने दिया नहीं था, मगर कल का तो पैसा लाओ। कल क्या हुआ था मिठू? कल 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 मुझे बुखार चढ़ गया था सेठ जी, मैं दिन भर डॉक्टरों की भी ये बड़ी पहलवान नहीं चलेगा। अगर कल तक तुमने पैसा नहीं दिया तो वो हम तक वापस ले जाएगा। क्या करें इस लड़की का, रोज की रोज गुलबहार से गुल होना मुश्किल है, और यहाँ रहेगी तो बदनामी होगी। इसे नाथ हाले क्यों ना छोड़ाए? छोड़ाते आज कहाँ जा रहे हैं ढूंढने? ढूंढने नहीं, तुम्हें ले जा रहे हैं अनाथालय। अनाथालय? जिसका कोई नहीं होता ना, उसको वहां सहारा मिलता है। कौन कहता है मैं अनाथ हूँ? मेरी बहन है, बन तो तुम उसको ढूंढना, वो तुम्हें ढूंढेगी। है Thank you.
अच्छा बाबा चलो वापस चलते हैं। मुझे भगवान चाहिए, तुम्हारे घर में भगवान नहीं है। भगवान? ओ, कौन सा भगवान? ब्रह्मा विष्णु गणेश? मुरली वाला चाहिए। कृष्ण भगवान? बताई जाएगी। प्रभु झूठ ना बुलाए, कदरदान हर जगह है प्रभु।
कितना बुलाए पदरदान हर जगह है मेहरबानो मेरे मेहरबान हर जगह है तो रब झूठ ना बुलाए पदरदान हर जगह है देंगे वापस ले लेंगे ठीक सोनी मास्टर चूड़ियां खड़ी है चूड़ियां अरे कब तक छुड़वाएगा कौन सी चूड़ियां है लड़की दे गई है क्या लगती है तुम्हारी देख ये रही तुम्हारी चाबी और इधर लाओ चूड़ियां रुपया दे जाओ चूड़ियां ले जाओ अरे टैक्सी की चाबी तो लेते जाओ नहीं चाहिए तुम्हारी टैक्सी अपने
इतनी चूड़ियां उसे क्यों दी? हाय रब्बा, हाय रब्बा नहीं, मैं जवाब मांग रहा हूँ, चूड़ियां क्यों दी? मेरे पास पड़ी थी, दे दी। क्यों दे दी? मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। गुस्सा क्यों करते हैं? दो चार दिन में बहन मिल जाएगी, चले जाऊंगी, वो भी नहीं दिखाऊंगी। बहन ना भी मिले तो चले जाओ। गजरेला बनाया है। गजरेला बनाया है? गाजर का? मैंने तो पैसा नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया? जाता हूँ। खा के तो जाओ। तुमने तो माँ को मात कर लिया। तुम्हारी चूड़ियां वापस लाऊंगा। अरे परदेसी। हाँ गुरु। बिरहा गावा बिरहा। अरे हंडवा ले ले गोरी डंडवा चढ़ाइले के पूछा ले छाइरा एक आरंगली। अरे दिन रात भैंसी का पनिया पियौले जनिया के पूछा ले छाइरा एक आरंगली। राम 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 भरोसे सेठ। अरे रोजी मास्टर अब्बा अब्बा, हम जरा मालिश करात रहे। आजकल मालिश पे बहुत जोर है। हमार मोहल्ला में रामलीला होए वाली है ना, एक टाइम हम खुद से हनुमान का पाठ करते हैं। लंका दहन करना है ना, तो भाई के साय काफी हो गए। अरे फरनवा एक बाल्टी दूध ले आ रहे हैं, हमारे मेहमान आए। अब राम भरोसे सेठ, मैं काम मांगने आया हूँ, मुझे काम चाहिए। बजरंग बली की जय। बजरंग बली ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अरे तुहार जैसा पवन पुत्र तमें था बंबई शहर में नहीं मिल पाए। जैसे हम आप राम कली के गाने का आशिक है ना, वैसे तुम्हारी डराई बली के भी आशिक है। तू फिक्र मत कर, तू फिक्र मत कर, आज से तुम हमारे हनुमान सेना के कंपाउंडर इन चीफ। तुहार मेरी गाड़ी के चाबी। राम रोज से कुछ एडवांस मिलेगा? मिली है। इला पांच का बैठो। कीमत है 2 रुपया। हाँ दिखा के रामलीला के चंदे की पेटी में डाले। हाँ 2 रुपया जरूरत से 100 रुपए की थी। वो भी मिली पे। पहला तू है गजरा हमारा राम कली के पहुंचाया। राम कली के नहीं जाने थे तो बम्बई में का झक्का मारा थे। अरे बाप रे, अरे छोकरा तेरे साथ भेज दे। देख राम भक्त हनुमान खुश, हनुमान भक्त राम भरोसे खुश, अरे राम कली भी खुश हो जाए ना। एडवांस एडवांस चलो 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 बजरंग बली का प्रणाम कर, तुम्हारा हमारा दोनों का कल्याण हो जाए। जा जा अदुलसिया। अगरो रानी मास्टर का चाहती हो? अब भी आई थे बजरंग बली। ए रोनी, किसकी टैक्सी ले आए? सेठ राम भरोसे के यहाँ काम कर रहा हूँ। राम भरोसे? मैं भी वही हूँ। अच्छा। सुनो तो यहाँ कैसे आ गए? क्या? ये तो एक तवायफ का घर है, ड्रीम लैंड। गजरा लाया सेठ साहब की तरफ से। अरे मैं भी लाया करता था। फरमाइए, मुझे रामकली भाई से मिलना है। जरा अदब से बात करो मियां, रामकली कोई मामूली हस्ती नहीं है। इनके महफिल में नवाब रईस और अफसर आते हैं, इनका लीडरों और वजीरों के यहाँ जाना आना रहता है। मैंने सब सुन रखा है हजूर, मेरी क्या हस्ती की मैं यहाँ चला हूँ। मुझे पवन पुत्र हनुमान जी के पुजारी राम भरोसे सेठ ने भेजा। तो यूं कहो ना मियां, चंपा चमेली इन्हें मिलवा दो। अरे टैक्सी ड्राइवर साहब, तू अंदर आराम फरमा। आराम फरमा रही? ठीक है ना, मेरे पास वक्त नहीं है। तो
ठीक है, इतने में तुम हमसे बातें कर लो। तुम लड़कियों से बातें करते रहूंगा तो उनसे मिल नहीं पाऊंगा। अरे तुम तो सुनते ही नहीं, कहा ना आराम कर रही है। कहा ना कि उन्हीं से मिलना है। कहाँ है? बहुत मना किया, चला आया। तुम जा सकती हो। बिना इजाजत अंदर कैसे चले आए? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। उस गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। मैं आपको देखकर पल भर के लिए चकाचौंध हो गया था। ऐसे गुफ्तगू तो सिर्फ रात की महफिल में मुनासिब है। दरअसल मुझे यकायक ऐसे लगा कि मैंने आपको कहीं देखा है। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। लेकिन मेरे लिए बहुत अचंभे की बात है। यो आने का कारण? ये राम भरोसे सेठ ने यह गजरा पेश किया। सेठ राम भरोसे हम पर बहुत मेहरबान है। तो क्या मैं उनसे कह सकता हूँ कि आप भी उन पर बहुत मेहरबान हैं? जो कुछ भी कहना होगा हम खुद कहेंगे। बहुत बेहतर। इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। संतो, बंतो की उम्र क्या है? हम जोड़ियां हैं, कहीं मिली? यूं ही पूछा। हो सकता है कहीं चली गई हो और देर से लौटे या ना लौटे। हो सकता है किसी कारण बुरे रास्ते पर पड़ गई हो और तुमसे मिल जाना चाहे। मेरी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोलना, ऐसा कभी सोचना भी नहीं। बंतो अगर बुरे रास्ते पर पड़ गई तो मैं उसका गला घोंट दूंगी या जहर खा लूंगी। कोई उसके बारे में बुरी बात ना कहे बस। बंतो ये तुम क्या कह रही? क्या कर रही हो? लगता है मैं तुम पर बोझ बनकर बैठी हूँ। जाती हूँ, मैं खुद ही उसे कहीं ना कहीं ढूंढ लूंगी। तुम तकलीफ मत करो। खूबसूरत कपड़ा पहना हो तो उसका हल्का रेशमी बोझ अच्छा लगता है। तुम्हारा बोझ भी वैसे ही है, अच्छा लगता है। लच्छा? मैं लच्छेदार कुड़िया। हाँ, लच्छेदार, मजेदार, लच्छेदार। क्या कहेंगे? ये तो इनकी राधा से पूछो। पूछा? राम के लिए भाई है? नहीं है, कह गए देर से आएंगी। पता नहीं आएंगी भी कि नहीं। अच्छा तो ये तुम रख लो। सेठ जी कहाँ है भैया? सेठ जी कल दिन का और आज रात का हिसाब ले लीजिए। ये 103 रुपया और 90 नए पैसे। हम तू ही का इंतजार करते रहे। गजरा जाए हमारे रामकली के। दो बार होकर आया हूँ, रामकली वहां नहीं है लेकिन गजरा छोड़ आया हूँ। वो नहीं, कहाँ मिलाई गई? तू पूछताछ कहे नहीं की, भेदभाव कहे नहीं निकाला। हम भी घर में सूखे जाते हैं रामकली। सेठ जी ये आपका हिसाब। तू तो सुन मत जा, तुम्हारे हिसाब किताब कल के हम गजरा लेके सुनते जा। कब है? कब है? कब है? अब रामकली का हमारा रामकली कहा? हमारा रामकली कहा? वो आराम कर रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं? नहीं नहीं। और जिनका मुंह देख के हम जिये थे उन्हें इनकी तबीयत खराब हुई गई। बोलो जी। सेठ राम भरोसे है, उनसे बोलो कि हम आते हैं। रामकली, हमारा रामकली कहाँ हो तुम? हाँ
तबीयत खराब रही तो खबरिया कहे न भजाई। हम बंबई शहर के टॉप की इलाज डॉक्टर वैद हकीम के बुलाए के यहाँ लाइन से खड़ा कर देते और अपने हाथन से सेवा के ऑल इंडिया रिकॉर्ड तोड़ के धरी देते। नहीं नहीं, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो ड्राइवर ने बहुत तकलीफ दी, गाड़ी को टक्कर मार दी। अब न ड्राइवर न गाड़ी, मुझे कल ही कहीं जाना है। तो हमारा नवी टैक्सी और नंबर वन ड्राइवर कौन है काम आई? राम भरोसे से तुम बहुत काम के आदमी हो। वो जो गजरा लाया था ना, वो क्या तुम्हारा खास भरोसे का आदमी है? अरे भरोसे के लिए राम भरोसे जब बैठते है तू फिक्र चिंत करा। वो ड्राइवर का नाम रोनी था। रोनी? हाँ हाँ हाँ, राम भरोसे से तो रोनी के भेज दीजिए कल। अरे कल ही भेज दे, तुम्हारा गुलदस्ता तो नहीं नहीं राम के लिए। पहले कभी हुक्म नहीं किया। एक लाख लस्सी, एक लाख लस्सी का टैक्स। चलो पुनः हो रहा है, परसों रामलीला है, देख के चलेंगे। लाओ यार एक लाख लस्सी, एक लाख लस्सी हमारे लिए लाओ। अबा हमारे रामकली की तबीयत तेरा नाजुक रही, हम फिट कराए। हमारे रामकली को एक तो खास ड्राइवर का जरूरत था। हम वादा कीन है कि हम एक खासुर खास आदमी कहीं भेजे। तू हमारा पवन पुत्र सेना का कंपाउंडर चीफ भाई ना, तो तू ही जा। नहीं सेठ जी, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आप किसी और को भेजिए। तू हाँ जा। नहीं सेठ जी, मैं नहीं जाऊंगा। तनख्वाह चाहिए कि नहीं? अच्छा जाऊंगा। शाबाश शाबाश, अब तुमसे बहुत खुश है। हमारे बजरंग बली भी तुमसे बहुत खुश है। इला इला 100 रुपया हट मानस, हमारा राम कली को राजी रखा। इला 100 रुपया और बताओ रेट मानस, कौन शिकायत का मौका नहीं देना पट्टे। अब तुम्हारे पगार डबल कर दे। बोलो जी, ड्राइवर रोनी आया है, हमारा इंतजार करेगा। अच्छा तो आपको भेजा गया है जी। ये खुश नसीबी मुझे हासिल हुई। हम खुश हुए। शुक्रिया, मैं नीचे गाड़ी में इंतजार करता हूँ। जल्दी किस बात की है? जल्दी आपको होनी चाहिए, गाड़ी का मीटर चल रहा है। मीटर चढ़ने दो, तुम एक प्याली चाय पी लो। चाय? जी नहीं शुक्रिया, मैं ताम से काम रखता हूँ। अच्छा उसूल है, कभी कभी तोड़ देना चाहिए। यूं एक एक उसूल टूटने लगा तो अंत कहाँ होगा? इस वक्त तुम हमारे मुलाजिम हो। जी इस वक्त हूँ, हुक्म कीजिए। रुको चाय पियो, हम आते हैं। चाय हाजिर है। ये है शिपान। ये और ये। ये ज्यादा खूबसूरत है, ये ले लीजिए। हाँ ये दे दो। वो दिखाइए। एक मिनट, वो हार। ये देखिए, तो ये सस्ती है, ये ले लीजिए। ये अच्छी है, दे दीजिए। आइए। शुक्रिया। कितना हुआ? मीटर बंद है। तुमने तो कहा था मीटर चालू है। आपको जल्दी तैयार कराने के लिए कहा था। सेठ साहब आपसे भाड़ा नहीं लेंगे। अच्छा तो फिर ये लो। हाँ जी नहीं शुक्रिया, मैं टिप नहीं लेता हूँ, सिर्फ फर्ज निभाता हूँ। अच्छा तो फिर इतनी मेहरबानी करेंगे आप जी कि सामान अंदर ले जाने में मेरी मदद करें? बिल्कुल, ये भी मेरा फर्ज है, लाइए। और ये
के संभाल के संभाल के इसमें जेवर है, अंदर ले चलो। अरे कोई मेरा भी तो सामान उठाओ। फर्ज निभाना खूब जानते हो। कोशिश करता हूँ। तुम जो कुछ भी करते हो सिर्फ अपने फर्ज के लिए करते हो, यही समझिए। अगर एक दिन फर्ज ने ही तुम्हें हमारी तरफ झुका दिया तो देख लेंगे। साड़ी किसके लिए खरीदी? बताएगा तो बताऊंगा। हमने पूछकर गुस्ताखी की, हमारे लिए क्यों नहीं खरीदी? आपको क्या जरूरत है, आपके पास तो सब कुछ है। हाँ बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास साड़ी खरीद कर देने वाला कोई नहीं। बंबई शहर सेठों से भरा पड़ा है, आपके पास हर रोज कीमती तोहफे आते होंगे। हर तोहफा बदनीयती का पैगाम लेकर आता है और हम उसे इस खड्डे में फेंक देते हैं। तुम पहले इंसान हो जिसकी आंखों में हमें बदनीयती नजर नहीं आई, इसलिए हम तुम्हारी कदर करते हैं। जी शुक्रिया। मैं इजाजत चाहता हूँ। रानी फिर कब आओगे? जब ड्यूटी पड़ेगी। तो ड्यूटी पड़ेगी। साड़ी है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? पहन के दिखाओगी? दिखाओ जल्दी। रुपया खरा है, बम्बई सूद। चूड़िया वापस करो। अच्छा देता हूं। आँखों में दिल का पैगाम तुझे मैं देता हूँ। आ जाने मन जाने मन का नाम तुझे मैं देता हूँ। आँखों आँखों में दिल का पैगाम तुझे मैं देता हूँ। आ जाने मन का नाम तुझे मैं देता हूँ। तुझसे मोहब्बत करता हूँ और कहूँ क्या डरता हूँ। मैं तेरी तारीफ करूँ ये मेरे बस का काम नहीं। जाने मन। रिहर्सल। अरे चलो भाई, सब तैयार है। हनुमान जी तैयार है? हाँ तैयार है। ये पेड़ मजबूत है? बिल्कुल तैयार है। तो नहीं, और ये बाजा और ये तबला? अरे हाँ साहब, सब तैयार ही। और पानी की पाइप? बिल्कुल तैयार है। तैयार ठीक है। जब लंका जलाई जाएगी तो होशियार रहना, कहीं इधर उधर आग लग जाए उसे बुझा दे। चलो तक भीड़ी से पिलाओ। अकुमकरण वो तो सो रहा है जी, तो रिहर्सल की नींद में करेगा। जगा उसको। अरे हनुमान जी आपकी धुम कैसी है, जरा अपना पाठ तो गाइए। गाइए ना। अरे भैया मंगलवार है ना आज। क्या मंगलवार को गाना नहीं होता? नहीं, इनका मौन व्रत रहता है आज।
रिहर्सल नहीं होगी तो कल स्टेज पर गड़बड़ घोटाला हो गया तो? अच्छा तो पाइप ही की रिहर्सल हो जाए भाई। ये लीजिए ये ये, ये, ये। रामचंद्र की जनक नंदिनी सियामैया की लाडले लखन लाल की पवन सुत हनुमान की सीता जी का हरण किया रावण ने बदल के भेष राम भय व्याकुल लक्ष्मण के मन को लागी ठेस पवन पुत्र हनुमान चला उड़ कर लाने संदेश बावन कोट छप्पन दरवाजों वाले लंका धाम और फिर पता खोलो खुलो। लंका पहुंचकर हनुमान ने देखा क्या देखा के अशोक वाटिका में सीता मैया एक वृक्ष के नीचे अपनी अखियां नीचे राम के ध्यान में हनुमान हो हनुमान पवन पुत्र श्री राम का प्यारा मेरे मन में राम रहते मुझे हनुमान कहते मुझे हनुमान कहते हैं पवन पुत्र श्री राम का प्यारा मेरे मन में राम रहते मुझे हनुमान कहते मुझे हनुमान कहते सीता जी का हमरे बतिया कहीं लागे ना झूठी किस कारण रघुनाथ ने भेजी हमरे हाथ अंगूठी हनुमान राम कैसे हैं कुछ वहाँ का हाल सुनाओ राम सुखी है अरे सीता के बगैर राम सुखी कैसे हो सकते हैं कहो राम दुखी है राम दुखी है आपकी आंखों से आंसू बहते मुझे हनुमान कहते मुझे हनुमान कहते सीता मैया यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ खा लूं अपनी भूख मिटा लूं खा लो मिटा लो भुजा दस शीस का रावण ज्ञानी और बलवान कैसी नादानी कर बैठा देखो वो नादान उसको सबक सिखाने आया राम भक्त हनुमान ये तुम क्या लाए आप कुछ पिता ये है
एक बंदर, इसने बाग के सब फल खाए, इसीलिए इसे बांध के लाए। बोल तू है किसका दूध? मैं हूँ तेरी मौत का भूत। तू तू और मुझको मारेगा? अरे मरते समय ही, 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 ही। मरते समय तू राम का नाम पुकारेगा। बोलो जय सिया राम, 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 बोलो जय सिया राम। संतो रामकली के पास चलती आ रही है, दोनों के मिलना संतों के लिए अच्छा नहीं, उसका दिल टूट जाएगा, जरा ख्याल रखना। रावण तुम तो रावण हो, तुम क्यों गाते हो जय सिया राम? बंद करो ये राम 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 राम। तुम बताओ, बोलो इसे दंड क्या दे? ये सोता है, इसे सोने दो। मेघनाथ तुम तो जागते हो, तुम ही कहो इसे क्या दंड दें? इसकी पूंछ में आग लगा दो। सत्य वचन, मैं तेरी पूंछ में आग लगा दूंगा। लगा दो मैं अपनी पूंछ से तेरी उनका जला दूंगा। जला दो अरे ये क्या कहा रे बालम। क्या बात है? बड़े बॉस का संदेशा आया है। क्या संदेशा आया है? माल आ रहा है 14वीं की रात को। माल आ रहा है, खूब। आप पुरानी जगह पर? जी। ठीक है, हम संभाल लेंगे। अरे भाई कोई पैसेंजर है गाड़ी में छोड़ गया है। ये तो किसी औरत का है। तो छोड़ गई है। पुलिस स्टेशन बजा के दे। अरे नहीं, ये तो मेरे पैसेंजर का है, दे दे। तेरी कौन पैसेंजर है भाई? ये तुम आ रही है, तू ये काम कर, तू इसे आहिस्ता आहिस्ता घर ले जा और मैं संतों का इंतजाम करता हूँ, जा। अरे मिट्टू तू आ गया, अच्छा हुआ। चिट्ठी? मैंने सोचा अचानक हो जाऊंगी तो रॉनी खुश हो जाएगा। कहाँ है वो? टैक्सी चल रहा है। चलो हम भी टैक्सी में जाएंगे। पैसे नहीं है तो क्या पैदल जाएंगे? ओ घोड़ा गाड़ी, अच्छा अच्छा चलो। क्या बताऊं, गाड़ी में खड़े रहने को जगह नहीं थी, लेकिन यात्रा बहुत अच्छी, घर में सब ठीक है ना, खाने वाने का इंतजाम ठीक था, टैक्सी के गाड़ी वाले, इधर से घोड़ा गाड़ी नहीं जा सकता, चलो वापस। तुम किधर से आ गया? क्या हुआ, उतरना पड़ेगा, तेरे साथ तो यही होगा। चलो किराया। चलो वापस, चलो गाड़ी ले जाओ। हे भगवान।
मुझे तार दिया होता मैं टैक्सी लेके स्टेशन पहुंचता। वहाँ तार देने वाला कौन था? कोई बात नहीं, मिट्टू कहाँ मिल गया स्टेशन पर। अरे सुअर बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया। इसका कोई कसूर नहीं, मैंने मना किया था। अरे 20 रुपए लगते यहाँ आने के लिए। तुम कह दिया तो मैं इसके लिहाज कर देता। हाँ, कौन से मारे? पागल क्या था? अल्लाह तो कभी नहीं करना। यात्रा तो बहुत अच्छी हुई। एक भगवान घर पहुँच गए। अब तुम जरा आराम कर लो। बड़ी अच्छी सफाई है तो तू सफाई पसंद हो गए। तुम्हें पसंद है ना इसीलिए। अरे ताजी सब्जी, आटा खत्म हो गया। हाँ, हाँ। तो खाना पकता रहा। हाँ। रसोई रखा क्या? एक रखा है। अच्छा क्या? ओ भगवान की मूर्ति। अरे तू तो भगवान से दूर भागता रहता। माँ यात्रा पर तुम नहीं, असर मुझ पर पड़ा। मैं भगवान की मूर्ति। ठीक रहो बेटा, ठीक रहो। वो रसोईया का है, उसे काम करवा लो। रसोई रहेंगे, क्लीनर है, खाना वाला भी पका देता। सत श्री अकाल माँ। ये संता सिंह है। ओए संता सिंह, माँ के चरण छुओ। कहाँ से आए बेटा? अरे उठ, जवाब दे। अपने गांव से। बड़ा गवाह था, जरा सुधारा है, लेकिन काम जल्दी सीख लेता है। बिट्टू मिया, तू आज माँ के साथ रहे, मैं संता सिंह को ले जाता हूँ। इसे अभी बहुत कुछ सिखाना है, ये आया है ना, इसीलिए। नाक साफ कर। अच्छा वो जो मैंने तुम्हें सबक सिखाया है याद है? याद है। बोलो। हर बात में सलाह आने मांगता है। साला धनी, साला क्लीनर, साली टैक्सी। शाबाश। माँ जब गुस्सा करेंगी तो बोलूंगा चुप साली। अरे गधे के दुम, माँ से ऐसी बात की तो खून पी जाऊंगा। अरे चल साले। अच्छा सुनो, अब दूसरा सबक। अगर कोई रोब दिखाए तो बोलना साले तेरी तो। तेरी तो क्या? मसलन 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 तेरी तो जान निकाल डालूंगा, तेरी तो हड्डियां पीस डालूंगा, तेरी तो। अच्छा तेरी तो। और अगर कोई मस्ती ज्यादा करे तो चाकू दिखा देना। आज इतने काफी है। संता सिंह, तू जरा गाड़ी को लश्कारा मार के रख, मैं आता हूँ। और अगर कोई छेड़े तो अकड़ जाना। और बच्चा लोग, ये तुम्हारा आज का 2 रुपया, बांट लो सब। बच्चा लोग बांट लो, बांट लो, बांट लो। देखो सदा जी, गाड़ी तो अपने नहीं आता। साले स्ट्राइक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? भाई अपना मन सियासत से कोसों दूर भागता है। अरे फिर भी कुछ तो बोलो यार, कोई सलाह दो। सुनो, अपना मन कहता है कि धंधे का ख्याल करो, पब्लिक का ख्याल करो। इसलिए स्ट्राइक होनी चाहिए, इसलिए स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। ये नाक की तिल्ली अच्छी है, मैं भी ऐसी लूंगी। लूंगा। ओ वाह। इस दादाजी दिमाग खराब हो गया है क्या? साला लड़की को छेड़ता है सर। ऐसा दादाजी छोकरी को दम देता है। हमसे बात करना साले। साले तेरी तो। अरे तेरी चाकू दिखाता है। ये बात है। ओए संता सिया, दंगा करता है, नमत आई है तेरी है? साले तेरी तो। ज्यादा मत स्मूथ निकल जाए।
पिछली बार जब माल आया था तुमने होशियारी दिखाई। अपनी बीवी को दे दो। और तुम भी। और तुम बुजदिल साबित हुए, अभी कच्चे हो। और ये नया ड्राइवर है बॉस। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लेंगे। तुमको ड्यूटी बता दी गई? जी। फिसलना नहीं, सबको अपनी अपनी ड्यूटी बता दी गई। ठीक, कल रात। हाँ, सिग्नल हो गया, रास्ता साफ है, चलो। चल पड़ी। तुम लोग अपनी अपनी ड्यूटी संभालो। आज सोना और हीरे आ रहे हैं, होशियार रहना, किसी पर भरोसा मत करना। जाओ। माल आ गया इंस्पेक्टर साहब, आप ठीक टाइम पे आ गए। लीडर कहाँ है? वो ऊपर। हाथ से निकल गई, चालाक औरत। जी। ये तो गायब हो गई, या तो तैर कर निकल गई या डूब मरी। ये डूब मरने वाली चीज नहीं है साहब। घर पर छापा मारने से कोई फायदा नहीं, जब स्मगलिंग हो रही हो तब पकड़ना चाहिए, पता लगाओ अगला माल कब आ रहा। अब वो मुझ पे शक करेगी, खैर कोशिश करूंगा। जरा होशियारी से। सुना तुम्हें उस दिन होशियार किया था? पुलिस के पास चले गए, पुलिस के पास ले जाओ इसे, खत्म कर दो। नहीं, छोड़ो, मुझे मार कर दो, मुझे मार कर दो, छोड़ दो, छोड़ दो। राम भरोसे को संदेशा भेजो, हमें ड्राइवर रॉनी चाहिए। रॉनी मास्टर, पलनवा। हाँ जी। रॉनी मास्टर को देखा क्या? जी, अभी दुकान की तरफ गया। दुकान की तरफ? जी। अरे कहाँ है तू? अरे कहाँ है तू? तुमसे बहुत जरूरी बात करें। क्या से जी? इधर पब्लिक में नहीं, प्राइवेट बात मत करो। उनको फिर ये बैठ। रॉनी मास्टर, ए रोनी मास्टर, रामकली ने तोहरे लिए बुलौवा भेजा है। फिर से? हाँ हाँ, उनका उस तोते बहुत विश्वास रखे, बहुत विश्वास रखे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे हम बहुत खुश है, और अब के उस तो का अपने साथ रख दे। यानी के उधर नौकरी करनी पड़ेगी? नौकरी हरिया कामू हरिया, पगार दोनों तरफ का हम दे बे, का समझे। ए चंपा, ए चमेली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। बोलो, हम आए गए हैं। बरखा, वो आ गए हैं। अरे जल्दी बोल। पधारिए सेठ जी, पधारिए। हाय राम के लिए, आराम पीछे, पहले काम की बात करा। यो हमार ड्राइवर नंबर वन, हमार पवन पुत्र सेना के कंपाउंडर इन चीफ, हमार खास भरोसे एक आदमी। सेठ जी, मैं आपके कंपाउंडर इन चीफ से एक दो बातें कर लूं, अपने एक मीनार के लिए। विरासत, विरासत कापटे। कमरना नाई, बजरंग बली, करो बली। हमने कहा था एक दिन तुम्हारा फर्ज हमारी तरफ झुकेगा, अब तुम फर्ज निभाओगे रोनी?
आप मालिक हैं, मैं मुलाजिम हूँ, जो फर्ज होगा जरूर निभाऊंगा। मालिक को खुश रखना मुलाजिम का फर्ज है। जरूर है। हमें खुश रखना आसान नहीं और कुछ मुश्किल भी नहीं। अपनी हैसियत को पहचानता हूँ, हालात को पहचानता रहूंगा। हैसियत और हालात के मुताबिक आपको खुश रखने की कोशिश में रहूंगा। तुम दिन ब दिन दिलचस्प होते जा रहे हो। बात खत्म हो गई का? हम जिसे चाहते हैं मुमकिन नहीं कि वो किसी और का होकर रह सके। ये सुनने में यही आया है। मैं आपकी बहुत तारीफ सुन चुका हूँ। राम भरोसे से इंतजार कर रहे हैं। हम राम भरोसे की बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए इतना ही काफी है कि हम उसका गजरा कबूल कर लेते हैं। अरे का कुसुर पुसुर करो तो हो, अब इन बात खत्म नहीं हुई का? रॉनी, तुम जरूरतमंद हो और हम तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेंगे। इस वक्त तो आप जरूरतमंद हैं। यानी कि मेरा मतलब है कि किसी खास जरूरत ही की वजह से आपने मुझे याद फरमाया होगा। वैसे मैं बहुत मामूली इंसान हूं और मामूली जरूरत ही पूरी कर सकूंगा। खिदमत में हाजिर। हम साफ बात कहते हैं कि हम तुम्हें पसंद करते हैं और तुम बात टालते हो। आइंदा जो भी बात करो साफ करो, मुख्तसर करो, ठिकाने की करो। बात दिल में उतरी? नश्तर की तरह। बात बंद करो। शेख साहब आप अंदर आ सकते हैं। हमें रोनी पसंद है, अब हम इसका घर देखने जाएंगे ताकि वक्त पड़ने पर इसे बुलाया जा सके। सुना है इनको किसी से प्रेम है, हम उस सुंदरी से भी मिलेंगे। चलो हम उनको दिखा तुम्हार श्यामकली, पर हमार रामकली सच्ची नहीं हो सकत। इस वक्त मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है और एक एक, एक क्लीनर है। आप अपना एक नौकर भेज दीजिए, वो मेरा घर देखाएगा। आपको तकलीफ करती है? इस घर में तो सिर्फ नौकरानियाँ हैं। तो नौकरानी भेज दीजिए। तो फिर वापस ही नहीं आएंगी। कहाँ है वो शंडा? क्या कर रहा है? जा उसे निकाल आएगी। जा, अगर नहीं लाया तो तेरा गला काट के हड्डी पसली एक कर दूँगी। क्या क्या? अभी तक यहाँ खड़ा है, मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा उसे यहाँ पकड़ के ले। आज मैं उसकी ऐसी। मेरी माँ की आवाज है, इनका गुस्सा बहुत खराब है। आप फिर कभी आइए, आज खतरा है। अरे मिट्टू, तेरे कान फूट गए क्या? मुझसे छुप रहा, मुझसे छुप बोला। चल माँ, मेरे कान खींच रही हो? बता। अरे मेरे कान खींच रही हो तुम? माँ से झूठ समझता है, बहुत बड़ा हो गया। माँ कुछ नहीं कहेगी। बेशरम हो गया तू। माँ मैंने किया क्या है? तेरा लीडर संता सिंह, संता सिंह गालियाँ देता है। साला चूड़ा, साली रोटी, साली चक्षी, जो बात कहो कहता है तेरी। तो साला गालियाँ देता है, खबर रहता हूँ। उसको घर से निकाल दूंगा। वो कौन होता है उसे घर से निकालने वाला? अरे बाप रे, भागो। जाता कहाँ है? खाने यहाँ कान खोल कर सुन लो। और तुम भी? हाँ, क्या कहती हूँ? मुझे बहू बहुत पसंद है। बड़े बॉस ने ये काम खास हमारे जिम्मे सौंपा है। बहुत अच्छी बात है। उसके लिए खास आदमी तुमसे मिलेगा। बेहतर। उसे हमारे पास ले आना। जरूर ले आऊंगा। राजा साहब, जी रॉनी ड्राइवर आया है। उसे रोको। बेहतर।
रावनी, एक आदमी बीमार है, उसकी जान खतरे में है। डॉक्टर को लेकर नासिक पहुंचना है 2.5 घंटे के अंदर। नासिक तो बहुत दूर है और वक्त बहुत कम है, इसीलिए एक काम तुम्हें सौंपा है। डॉक्टर तुम्हें 2 मिनट में नीचे मिलेगा। अच्छी बात है, कोशिश करूंगा। राम नाम, राम नाम, राम नाम। ये भूत तेज आ रहा है, पकड़ो इसे। चलो चलो। जल्दी चलो, जल्दी, पीछे पुलिस है। देख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर साहब, उनको छोड़ रहे हैं, चलो। दो जन जख्मी पड़े हैं। और कमांड ड्राइव। आप डॉक्टर हैं या कसाई? आई से शट अप यू इडियट। ए डॉक्टर, ऐसा बोलो तो नब्ज बंद कर दूंगा। पहले उनको फर्स्ट एड दो। काकमा सटा रहा है। हर निकल के पहले उड़ो, फर्स्ट एड दो। ये क्या है डॉक्टर? काक को छोड़ो। यानी कि तुम डॉक्टर नहीं हो, हीरे हैं। तो तुम स्मगलर हो जाने मन, और हमसे ये काम करवा रहे हो। चलाओ, टैक्सी तुम्हारा बाप लेके जाएगा। देखो आ रहे हैं तुम्हारे ससुराल वाले। बेटी को लेने जा रहा हूं। जो पता आपने दिया है मुझे याद है। जी? आपके माँ बाप ना से गए हुए थे? जी हाँ, आज आने वाले हैं। उनका एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल में। मुझे जल्दी से वहां ले चलिए। ड्राइवर, तुम मेरे साथ चलो। दरअसल वो क्या है इंस्पेक्टर साहब कि मैंने गाड़ी इसलिए तेज चलाई कि वो बाद में देख लेंगे। तुम जिनको अस्पताल छोड़ाए थे उनकी मौत हो गई है। तुम्हारा बयान चाहिए एक्सीडेंट के बारे में, पुलिस स्टेशन। ये उनकी बेटी है, इसको अस्पताल पहुंचाना है। सॉरी, ऑर्डर्स। तुम मेरे साथ चलो, इनको कोई और छोड़ाए। जी नंदू भैया, इनको हर रोग अस्पताल पहुंचा दो जल्दी। इधर आई इंस्पेक्टर साहब। कोई भी नहीं रहा।
अपने आप को सारा मत समझो। जरा इधर चलो बेटी चलो। एक्सीडेंट नाश के रास्ते हुआ जनाब। किस वक्त? कोई 5:30 शाम। 5:30 शाम क्या हुआ? सामने से एक जीप आ रही थी, जरा सी बेकाबू हुई और नीचे लुढ़क गई। और लुढ़क गई? और तुमने क्या किया? मैंने फौरन टैक्सी रोक, सवारी ने एतराज किया, मैंने उसकी ठुकाई कर दी और फिर नीचे जाकर दोनों जख्मी मियां बीवी को टैक्सी में बैठा लिया। टैक्सी में बैठा लिया? फिर मैं वहां से चल पड़ा मुंबई की ओर अस्पताल। बस बस नहीं इंस्पेक्टर साहब, सवारी की तो मरम्मत करके मैंने वहीं छोड़ दिया, लेकिन उससे ये बरामद हुए। कितने बोल दिए? ये क्या कम है इंस्पेक्टर साहब? सर, एक टैक्सी वाले से बाहर लेते हुए बहुत से हीरे बरामद हुए। हीरे सर, हीरे। ठीक है, मैं भी बात करता हूँ। सर, इंस्पेक्टर सागर को एक टैक्सी ड्राइवर से हीरे मिले हैं। हाँ, हो सकता है ये वही हो जिनकी हम तहकीकात कर रहे हैं। पेश करो। एक एक लफ्ज सही है जनाब। उस डॉक्टर से तुम पहले कहाँ मिले? कहीं नहीं, कभी नहीं मिला जनाब। वो तुमको साथ लेकर क्यों गया? इसलिए जनाब कि मैं गाड़ी तेज चलाता हूँ। बाकी ही रेकर है। इतना ही थे? तुम किस स्मगलर के ग्रोह में काम करते हो? मैं किसी स्मगलर के ग्रोह में नहीं हूँ जनाब। हम मालूम कर लेंगे, क्योंकि मैंने ईमानदारी की मुझ पर शक किया जा रहा है। ईमानदारी या गद्दारी? गद्दारी किससे? तुम जा सकते हो। टैक्सी! ड्राइवर का नाम है रानी और टैक्सी नंबर MRP 2424। वो इस पर निगरानी रखो। बहुत अच्छा था। कहाँ है रामकली? अंदर जाना मना है। हंटर मार के मुझसे बदला ले सकते हो। खूबसूरत वाइफ, खतरनाक स्मगलर, और क्या कुछ हो? इस गंदे काम में फंसा कर मुझे भी गलाजत में गर्क करना चाहती हो? रामकली, ये रूप कब से अख्तियार किया? कब रामकली बनी? बस रोनी, रामकली किसी से ऐसी बातें सुनने की आदी। रामकली गई जहन्नुम में, मैं बंतों से बात करना चाहता हूँ, बंतों से। तुम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? एफ एफ वाह, रामकली से पूछ रहा है कि बंतु कहाँ है? मर चुकी। गुलबहार सिंह कौन है? उस हरामजादे का नाम ले लो। बंतु कह रही है? बंतु मर चुकी, मैं रामकली हूँ। गुलबहार सिंह,
किलर है। मुझे नहीं मालूम था, मुझे उसने बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा था। टीचर जी छुट्टी दो ना, हमारा मन चाहता है खेलने को। नहीं नहीं, परसों छुट्टी भी दी थी और घुमाने भी लेके गई, आज पढ़ाई होगी। निकालो किताब। आज हमारी सिफारिश से इन्हें छुट्टी दे ही दीजिए। बच्चों हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी मिठाई लाए। चलो मिठाई। शाबाश शाबाश। बदला लेने के लिए मैं राम के लिए बन गई। जब किसी मर्द को हंटर मारती हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं गुलबहार सिंह से बदला ले रही हूं। आज मेरे पास ताकत है और मैं उस सुअर की तलाश में हूं। जिंदगी का सिर्फ एक मकसद रह गया था, गुलबहार सिंह को खत्म करना। फिर तुम मिल गए और मैं तुम्हें चाहने लगी। रोनी रोनी, तुम मुझसे नफरत करते हो? नहीं मंत्रो। रोनी, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? तुम्हारी मदद करूंगा। पुलिस वाला चक्कर लगा रहा है, पुलिस मेरे पीछे। तुम यही करो, मैं इंतजाम करती हूं। सिगरेट। लड़की ही लड़का लगता है, शायद वो ही ड्राइवर। ए, ए, खेरा, कौन हो तुम लोग? बुर्का उतारो, चंदे। मैं कहता हूँ बुर्का उतारो। ए लोगों, देखो कोई बुर्का, ये पुलिस वाले हमारे पैर पे आ रहे हैं। राजा साहब, हीरे नहीं पहुंचे। हीरे नहीं पहुंचे, ये कैसे हो सकता है? ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। ठीक है, मेरे साथ आओ। तुम जानते हो कि मैं अभी विदेश से आ रहा हूं, सब ठीक कर दूंगा। हमारे सब काम बड़ी सफाई और जारी के साथ करते रहिए। इन हीरों के मामले में न जाने क्यों उससे चूक हो गई। लीजिए, अरे लीजिए लीजिए, फव्वारा शराब का है। राजा साहब, अगर चार दिन के अंदर हीरे मेरे पास न पहुंचे। जनाब, नंबर दो और नंबर तीन आए हैं। आने दो। तो मुझे आपके साथ फैसला किसी और ढंग से करना पड़ेगा। कुछ पता चला? जब मैंने फोन पे किया था, हमने उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़ लिया था। उसकी पिटाई भी हुई थी। कुछ पका? बकता तो जरूर, लेकिन राम कली बीच में दम पड़ी। तुमने उसे बताया नहीं? वो सुनती ही कहां है। बड़ी जबरदस्त औरत, इसीलिए तो हमने अपने सारे काम उसे सौंपे।
आप यकीन नहीं करेंगे कि आज तक मैंने उस औरत की सूरत तक नहीं देखी है। बगैर देखे ही काम सौंपी है। हाँ, कभी कभी मुलाजिमों से न मिलना भी फायदेमंद होता है। नाश्ते खूब है, मैंने देखा है। बड़े खुशकिस्मत हैं आप, एक दिन उसे यहाँ बुलाएंगे। पहले जरा इस टैक्सी ड्राइवर से निपट ली। इस टैक्सी ड्राइवर को वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही चाहती है। अच्छा, इसमें भी कोई राज है। बहुत चालाक औरत है। मेरी राय में उसे आजमाना चाहिए। मेरी भी यही राय है। तो फिर आजमा लो। हाँ, जल्दी करो रोनी, जरा पुलिस स्टेशन काम है, मेरे साथ चलो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। हा? मैं उन्हें मंदिर ले जा रहा हूँ, उसके बाद आप जहां कहेंगे चलूंगा। आप बेशक मेरा पीछा कीजिए। अच्छा, प्लीज जल्दी। देखेंगी तो यकीन आ जाएगा। जब देखूंगी तब देखा जाएगा। हीरो का मालिक कौन है? जी मैम, ये जब तक नहीं बताओगे पुलिस तुम पर निगरानी रखेगी। जरूर रखिए, जैसे मुझे पता चल जाएगा आपको भी पता चल जाएगा। रमेश, वो देखिए, ये हम सबको पकड़वा देगा, उससे पहले से खत्म कर देंगे। नहीं, आज ही गोली आप चलाएंगे। नहीं, बॉस का हुक्म है, नहीं तो बॉस आपको खत्म कर देगा। बॉस बड़ा खतरनाक आदमी है। मैंने सुना है जिंदगी में आपका एक ही मकसद है, गुलबहार सिंह से बदला लेना। आप मर गई तो पता कौन लेगा? गुलबहार सिंह ने आपकी जिंदगी हराम की है। अगर इस बॉस ने आपको मार डाला तो आप क्या हैं? एक कीड़ा जो मसल दिया जाएगा। कितना अच्छा गाना है। पिस्तौल में असली गोली नहीं थी। सुवर, मेरे साथ मजाक करते हो?
जब तक रोनी के पास हीरे हैं, उसे जिंदा रखना लाजमी है। ये तो आपका इम्तिहान था। तो रामकली कमजोर साबित हुई। पहले उस टैक्सी ड्राइवर को अपने काबू में करने का इंतजाम करो, उसके बाद फिर उस गद्दार औरत को सजा दी जाए। एक गद्दार और भी है मालिक। क्यों बे? ये पुलिस कांस्टेबल से बातें कर रहा था। बंद कर दो इसे। माफी हजूर, माफी हजूर, माफी हजूर। देख तेरे लिए क्या लाई हूँ। ये तो मेरे लिए माजी। हाँ। खाती हूँ। ये देख। और बहुत सी है। और ये देख। हाँ। इतना कुछ? हाँ। तुम दोनों की शादी अगले हफ्ते कर दूंगी। भला शादी के बिना कैसे चल सकता है? ठीक है ना बेटी? हाँ जी, पर आपने अपने बेटे से पूछा है? ना उससे पूछूंगी ना तुझसे पूछूंगी। उसको बीवी चाहिए, तुझे पति चाहिए, अब मुझे घर में बहू चाहिए, बस। माँ जी, मैं मंदिर हुआ। वैन के अंदर क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत तो हम करेंगे जनाब की, इजाजत हो तो पहले ये छोटा सा काम खत्म कर लें। बद्दार था, डूब गया बेचारा। हाँ तो हुजूर, वो हीरे आपके पास थे, छोटी सी चीज है, आपके किस काम की? हमारी बात टाल गया। मैं तुम्हारा खून पिघलाऊंगा। नाचने की जरूरत नहीं, खुदार उसके लिए हम रामकली को बुलाएंगे वक्त आने पर। नाच मैं जनाब को लटाऊंगा वक्त आने पर। वक्त आया समझो, आज से तीसरे दिन रात के 12 बजे। ठीक रहे? अगर हीरे हमारे पास नहीं पहुंचे तो इधर तुम्हारी मां नहीं, उधर तुम नहीं, तुम्हारा घर नहीं। छोड़ा भी नहीं, आराम से। हीरे इसके अंदर डाल देना, 3 दिन के अंदर, और अकेले आना, रास्ता ठीक से समझ लो। चलो कम ऑन, चलो। Ma,
मालूम है मां का गुंडे उठा के ले गए, संतो को तो नहीं मालूम, उसे कहीं भेज देना चाहिए, नहीं तो उसे भी उठा के ले जाएंगे। लेकिन वो जाएगी नहीं, उसे मालूम हो कि मेरी जान खतरे में है तो बिल्कुल नहीं जाएगी। कोशिश करता हूं। संतो माँ कहाँ है? शायद मंदिर गई थी, मैं वहां देख कर आई, वहां भी नहीं है, शायद बाजार गई हो। शायद गई हो। संतो तुम कुछ रोज के लिए अपने गांव चली जाओ। वहां मेरा कौन है? तो कहीं और चली जाओ। पर क्यों, ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारा यहाँ से जाना ही अच्छा है। माँ ने तुमसे बात नहीं की क्या? इसके बारे में? ये क्या है? माँ हमारी शादी रचा रही है अगले हफ्ते, तुम्हें मंजूर नहीं है? मगर मगर का मतलब नहीं, किसी और को जाओगे? नहीं बताओगे तो मैं नहीं जाऊंगी। कुछ मत पूछो, तुम यहां से चली जाओ। सब कोई और आएगी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं, सब झूठ था। हाँ मां निकालेगी तो जाऊंगी, मां को आने दो। चली जाओ, निकल जाओ। और अभी मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, पर अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा यहां से हमेशा के लिए। तुम मत जाओ, मैं जाती हूं। कहां जाऊं, कोई ठिकाना नहीं। मेरा कोई नहीं है। मुझे अनाथालय छोड़ो। जान के अपने जी से अपनी जान जुगा कर बैठा हूँ मैं, मजबूरी बेबस होकर देख मैं क्या कर बैठा हूँ। जान के अपने जी से अपनी जान जुगा कर बैठा हूँ मैं, मजबूरी बेबस होकर देख मैं क्या कर बैठा हूँ। दिल पे चोट जो खाई है वो करार लगाई है, प्यार मोहब्बत है एक सजा है ये कोई क्या? संतो ये क्या कर रही है? सुनो तो संतो, संतो, संतो! टैक्सी ड्राइवर जाम हो रहा है। संतो टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर ट्रैफिक जाम हो रहा है। मुझसे दूर रहो। निशाना चूक गया है? हीरे चाहिए, हीरों के दाम चाहिए तो फिर मेरी जान चाहिए थी है? नहीं रोनी, इस वक्त अगर मैं तुम्हारा गला भी घोटना चाहूं तो मुझे को रोक नहीं सकता। पर मुझको मजबूर किया गया, मुझे जबरदस्ती गोली चलवाई गई। बुज़दिल। हाँ। और तुम तो मुझसे इश्क करना चाहती थी, इश्क में जान दी जाती है ली नहीं जाती, और अगर मैं गोली संतो को लग जाती तो? संतो कहाँ है? वो तुम्हारी खोज में आई थी, तुम्हें देवी समझती है, लेकिन अगर तवायफ राम कली से उसे मिलाता तो उसके दिल को कितना सदमा पहुंचता, और उस सदमा मैं बर्दाश्त नहीं करता।
तुम संतो से प्यार करते हो? वो साड़ी उसी के लिए ली थी ना? तुम संतो से शादी करोगे ना? रानी, मैं बहुत खुश हूं, मुझे संतो से मिला दो, सिर्फ एक बार, बेशक दूर से। संतो से सिर्फ ना तुम मिल सकती हो ना मैं मिल सकता हूं, फिर बातें होंगी। तुम्हारी जान खतरे में, हम सबकी जान खतरे में। ये घर जल्द से जल्द छोड़ दो, कहीं दूर चले जाओ, फिर मिलेंगे। मुझे बहुत इंतजाम करने, वक्त कम है। अच्छा, तो रानी फिर रामकली से मिला, ठीक है। रामकली को हमारे सामने पेश किया गया। रामकली कहाँ है? घर में नहीं है। तो कहाँ है? अलाहाबाद। नहीं, जबलपुर। ठीक ना, जवाब दो, तुम्हारी हड्डियां पीस दूंगा। हड्डियां पीसने से कोई रामकली भाई मिल जाएगी? दांत पीसने से भी नहीं मिलेगी। चलो ढूंढे। साहब कमरे देखो, बाई कहाँ है? बाई जी। बाई जी कहाँ है? मैं के गई। मैं का कहाँ है? अलाहाबाद में पैदा हुई, जबलपुर में पली और अब बंबई अड्डा है। इलाहाबाद का पता क्या है? सारा शहर जानता है। जवाब ठीक बताओ। इंस्पेक्टर साहब ने क्या फरमाया? खानदानी अदब पेश फरमाया। घर में कोई नहीं है साहब। तुम कौन हो? हम परियां हैं, जन्नत से उतर के आई हैं। फरमाइए। साहब लोग, दुकान बंद हो गया। साहब आप लोगों से कह दिया कि दुकान बंद हुई है, आप लोग सुनते कहां रहे? राम भरोसे कहां रहे साले? अब मऊ हो राम भरोसे सेठ, तू चाहिए कहा? अरे पप्पा, राम कली चाहिए। तू रामकली के मौसेरे भैया होगा? उसे छोड़ की तोहरा दिल चुरा लिया का? तुम सारा लोग फिल्म बहुत देखा था, आई गए वैसे चाकू लेके। ए दिनू, ए रसिया, अरे देखा देखा फिल्म वाले आई रहे तमाशा दिखाई के वास्ते। बकवास बंद। हमार शरीर में खालिस दूध हो, खालिस दूध। हड्डी हाथ में आई गई ससुरी तो कलकाए के टूट जाए। रामकली को हमारे वाले कह दो। रामकली के नाम अपना ही लेना। आगे राम भरोसे सेठ, रामकली के ढूंढने के खाते। रानी,
अगर वो हीरे उसके पास ना पहुंचे तो वो तुम्हारी माँ को मार डालेगा। रोनी, हीरे लौटा दे। हीरे, हीरे तो मैंने पुलिस को दे दिए। वो अपने नहीं छोड़ेगा रोनी। वैन का ड्राइवर अगर उस वैन को ढूंढ लें जिसमें मुझे ले गए थे तो वैन के ड्राइवर को बकवा लेंगे और जगह का पता चल जाएगा। वो वैन अक्सर शहर में घूमती है। पवन पुत्र सेना। हमार पवन पुत्र सेना के सब ड्राइवर कलू बांध कर ढूंढ के निकलेंगे। हुकुम जारी हुई जाए रोडी। गाड़ी के ऊपर कैनवस है, बॉडी पे लाल नीली पट्टी, गाड़ी का नंबर याद नहीं लेकिन ड्राइवर की बड़ी बड़ी मूछें हैं। सारा शहर छान मारो, गाड़ी के मिलना बहुत जरूरी है शाम तक। इसका ख्याल रख लो, जिंदगी रही तो आके ले जाऊंगा। रोनी इस विकारन के साथ क्यों बात कर रहा है? अरे लगता है ये तो रामकली भेस बदल के गा रही है। नजर रखनी चाहिए, इसके पीछे चले। सोच के बताओ उस वैन के अड्डे कौन कौन से हैं? संतो को गुंडे उठा के ले गए। क्या संतो? अरे तुम यहाँ पहुंच गई, मैं तो घबरा गई थी। ये संतो नहीं, उसकी बहन। संतो को ले गए? संतो कहाँ थी, मुझे बताया क्या नहीं?
राजा साहब रामकली। ये रामकली? कौन रामकली? मैं संतो हूँ। हम तुमसे कहीं मिल चुके हैं। नहीं बंतो। नहीं बंतो मेरी बहन है। बंतो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मैं उसी को ढूंढने आई थी। कौन ही तुमसे क्यों बात कर रहा था? वो मेरा मंगेतर है। तो तुम भीख क्यों मांग रही थी? बंद कर दो इसे। अब तमाशा देखना, रामकली अपनी बहन के खातिर यहाँ आएगी और टैक्सी ड्राइवर अपनी मंगेतर और माँ को छुड़ाने यहाँ आएगा। अब हीरे जरूर मिल जाएंगे। तो जश्न होना चाहिए। जरूर होगा, जरूर होगा। अरे ये तो मूछ वाला ड्राइवर नहीं है। क्यों भाई, कुछ पता चला तुम लोगों को? कौन है भाई? आज आखिरी दिन है। मालूम है, वहीं जा रहा हूं। पूछ वाला ड्राइवर यही वैन है, ये जरूर मेरे पीछे आएगा। तुम इसके पीछे आओ। मैं पवन पुत्र। मैं भी पवन पुत्र। हम भी पवन पुत्र। और आप? और ये सूर पुत्र। ये मेरा शागिर्द है। अच्छा कवाल हो, कवाल। राजा साहब कहते हैं कवाल। चलो चलाओ गाड़ी। सेठ हम लोग आगे चलते हैं और आप लोग मदद लेके पीछे आओ, वक्त बहुत कम है। देखो हम भी टैक्सियन में आदमी भर के तोहरे पीछे पीछे आवत है, तू चला। ये ड्राइवर हमें रास्ता दिखाएगा और आपको रास्ता दिखाने के लिए इसे छोड़े जाते हैं। इतना बड़ा बंबई शहर, तू तो टैक्सी नहीं। अरे क्या हो, टाइम कम हो। टैक्सी की हड़ताल हो गई।
कोई टैक्सी वाला आने को तैयार नहीं है। तैयार नहीं? अरे रोनी मास्टर हमारे भरोसे पर अपने जान खतरे में डाल दिया। सरकार कवाल पार्टी आने दो। आदाब जनाब, आप सलामत अली खान कहते हैं, हमारे शागिर्द जिनायत खान, हमारे हम कवाल। करामत अली खान साहब, बड़ा नाम सुना है आपका, आइए तशरीफ लाइए और हमारे मेहमानों को खुश कर दीजिए। आदाब सरकार। ये तो गुलबहार सिंह है। गुलबहार सिंह, कुछ फरमाया आपने? आपकी तारीफ कर रहा था हुजूर। सुनते थे शौक से हम ये नाम दूर से, खुश हो गई तबीयत मिलकर हुजूर से। हमारा शागिर्द है हुजूर, हमारा शागिर्द है जनाब। हमारे उस्ताद पंडित घसीटाराम भी तशरीफ ला रहे हैं, तब तक हम आपकी खिदमत करते हैं। मैंने वादा किया था कि 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा। हीरे, हीरे भूल जाओ तो फिर माँ और संतों को भी भूल जाओ। 12 बजे मौत उनके सामने होगी। बंदूकें फेंक दो। किधर है?
रानी। मैं तुमको संतो देती हूँ, वो भी कारण क्या गा रही थी। किसी को हमारी याद आएगी, मेरा मन कहता है प्यासे कभी कोई बदली जाएगी।